तो पीछे आ रहे पॉलिटिशियन आता चाललो तिकडे देखो देखो तुम आगे ना और उनके प्रभु के एक आवास तक पहुँचे हैं उनके परिवार के लोग ये वाली होगी इसी में इकट्ठा करने के बाद प्रभु कुल तक पहुँचे हैं पहली मंजिल पे लता मंगेशकर वहाँ पर पीछे और दूसरी मंजिल पे उनके भाई और उनके परिवार से हाँ दादा पीछे शिवाजी साहब के अस्थियों को लेकर के पहुँचे हैं आदिनाथ मंगेशकर जो उनके नतीजे हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अब इन अस्थियों का हम विसर्जन किया जाएगा ये तय किया जाएगा परिवार के हम देखते हैं कि वो जगह वहाँ पर लता दीदी जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा गुजारा प्रभु कुंज उस प्रभु कुंज में फिलहाल यहाँ बहुत कुछ है उनके परिजन और ये कलेक्शन करते हैं साफ सुथर तस्वीरों में उन्हें लेकर परिवार को प्रणाम कर रहे थे और इसे उनके निवास पर रखा जाएगा और उसके बाद विसर्जन की और तमाम अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा हम देख सकते हैं कि परिजन इस वक्त लता दीदी की अस्थियों को लेकर पहुँचे हैं प्रभु कुंज में काफ़ी लंबे अरसे तक लता दीदी इसी घर में थी और जीवन का जो अंतिम दिन उनको समय था वो उसी परिवार के साथ इसी प्रभु कुंज में रहे और प्रभु कुंज में रहने के दौरान जब वो बीमार हुए उन्होंने यहाँ रहती अस्पताल में हम देख सकते हैं कि परिजन में अपने परिजन शक्ति कलश लेकर और ये पार्टी है ना निकेश पार्टी है ना पार्टी है